अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद यूसुफ और आप देख रहे हैं निश्तर टीवी। तुर्की और शाम में आने वाले हालिया जलजलों ने शदीद तबाही मचा दी है। अब तक की इतलात के मुताबिक हजारों लोग शहीद हो चुके हैं। हजारों इमारतें जिनमें घर, स्कूल, कॉलेजेस, अस्पताल, मस्जिद वगैरह शामिल हैं, उनको शदीद नुकसान पहुंचा है। कई घराने सफा हस्ती से मिट चुके हैं। हर तरफ चीखों पुकार और बेबसी का आलम है। तहम इन जलजलों की प्रेडिक्शंस इनके आने से चंद दिन पहले एक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कर दी थी, जिसके ठीक 3 दिन बाद तुर्की और शाम की सरजमीन जलजले से लरज उठी। तहम इस जलजले के आने के बाद मुख्तलिफ डिस्कशंस हो रही हैं। बास के मुताबिक ये महज एक कुदरती आफत थी, लेकिन बास कॉन्स्पेरेसी थ्योरिस्ट के नज़दीक ये जलजले हार्प टेक्नोलॉजी की वजह से आए हैं। हार्प असल में हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ऑरोरल रिसर्च प्रोग्राम है, जो 1993 में अमेरिकी हुकूमत ने तैयार किया था। बज़ाहिर इसका मकसद हमारी जमीन की सतह से 50 से 400 मील ऊपर तक फैले हुए आयोनोस्फेयर को स्टडी करना था और इसकी प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को समझना था। और हार्प प्रोजेक्ट दरअसल अपनी हाई पावर हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स को रिलीज करके अपने इन मकासद को हासिल करता है। आयोनोस्फेयर दरअसल हमारी जमीन के एटमॉस्फेयर में वाक़ है और यहाँ मुख्तलिफ तरह की अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस और एक्सरे सोलर रेडिएशंस एटम्स और मॉलिक्यूल्स को आयोनाइज यानी इलेक्ट्रिकली चार्ज करती हैं। और हार्प प्रोजेक्ट भी इस आयोनाइजेशन में अपनी मर्जी के मुताबिक तब्दीलियाँ लाकर फिजा और मौसम को तब्दील कर सकता है। यानी इस प्रोजेक्ट के जरिए जमीन पर कहीं मामूल से ज्यादा बारिशें करवा के वहाँ सैलाब लाया जा सकता है, कहीं मामूल की बारिशों के मौसम में तब्दीली लाकर वहाँ कहत बर्पा किया जा सकता है, तो कहीं जमीन की सतह पर लहरें बर्पा करके जलजले लाए जा सकते हैं। जिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट के नज़दीक तुर्की में जलजला हार्प टेक्नोलॉजी के जरिए लाया गया, वो सबसे ज्यादा इस जलजले की टाइमिंग को इम्पोर्टेंस देते हैं। दरअसल तुर्की और खास तौर पर तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान आजकल नेटो के लिए दर्द सर बने हुए हैं। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद नेटो अपने इतिहाद में ज्यादा ममालिक को शामिल करना चाहता है और इस हवाले से स्वीडन और फिनलैंड नेटो में शामिल होने के ख्वाहिशमंद है। मगर तुर्की को स्वीडन के ऊपर शदीद इतराजात हैं कि स्वीडन तुर्की में PKK नामी दहशतगर्द तंजीम की पुष्ट पनाही कर रहा है और इनका सपोर्टर है। मजीद ये भी कि हाल ही में स्वीडन में तुर्क एम्बेसी के सामने कुरान पाक जलाने का वाकया हुआ, जिसे तुर्की अपनी और पूरे आलम इस्लाम की तोहीन समझता है। तुर्की चूंकि नेटो में खुद शामिल है और इसका वीटो करने का इख्तियार इन दोनों ममालिक की राह में रुकावट है, लिहाजा कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट के नज़दीक इस जलजले से तुर्की को मजा चखाया गया है कि वो अपनी इन हरकतों से बास आ जाए। मजीद ये भी कि इस जलजले के आने से एक हफ्ता पहले तुर्की में अमेरिका और जर्मनी समेत 9 एम्बेसीज को जिस तरह बंद किया गया और इन ममालिक ने जिस तरह ट्रेवल एडवाइजरी जारी की कि इन ममालिक के शहरी तुर्की का गैर जरूरी सफर ना करें और इधर जाने से गुरेज करें, ये सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट के शक को मजीद पुख्ता करता है कि ऐसी आखिर क्या वजह थी या क्या इन्फॉर्मेशन थी कि 9 एम्बेसीज एकदम बंद कर दी गयी। क्या ये मुस्तकबिल करीब में होने वाली किसी गड़बड़ की निशानी थी? इस हवाले से दोस्तों आपका क्या ख्याल है कि आया यह जलजला वाकई हार्प टेक्नोलॉजी की वजह से आया या ये सिर्फ एक कुदरती आफत थी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमें आपकी कीमती आरा का इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफिज़।